उत्तराखंड सरकार का भी और उत्तराखंड के लोगों का भी ये पूरा प्रयास है कि यात्रा सुचारू रूप से अच्छी चले, आने वाले हर एक तीर्थयात्री को अच्छी सुविधा मिले, अच्छे उनको परेशानियों का सामना न करना पड़े। और जो भी हमारे इंतजाम हैं, बहुत सारे तीर्थयात्री अभी आ चुके हैं लेकिन उनके रजिस्ट्रेशन नहीं है, उनके बारे में भी हम लोग ये विचार कर रहे हैं कि जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको कैसे प्राथमिकता दें। और हमने अन्य राज्यों से भी संपर्क किया है कि अभी चूंकि केवल और केवल अत्यधिक संख्या तीर्थयात्रियों की और श्रद्धालुओं की हो जाने के कारण से जो रजिस्ट्रेशन वाले लोग हैं केवल उन्हीं की यात्रा हो सकती है, इसलिए बिना रजिस्ट्रेशन के लोग अभी ना आए, रजिस्ट्रेशन करवाएं। सारी जानकारियां सब चीजें हम विज्ञापन के माध्यम से भी दे रहे हैं और अखबारों के माध्यम से, चैनल्स के माध्यम से लगातार अनुरोध कर रहे हैं। वैसे अभी यात्रा सुचारू है, अच्छी चल रही है, आज भी अच्छे दर्शन हो रहे हैं और हमारा प्रयास है कि दिन ब दिन और बेहतर यात्रा हो। सर, आपके द्वारा भी कहा गया कि दर्शन सबके हो लेकिन सब व्यवस्था के तौर पर आए, रजिस्ट्रेशन के तौर पर आए तो और अच्छे से व्यवस्था हो पाएगी सर। देखिए, इसलिए कह रहे हैं हम क्योंकि सभी चाहते हैं चार धामों के दर्शन करना, लेकिन चार धामों की भी अपनी एक बियरिंग कैपेसिटी है और उस कैपेसिटी से ज्यादा होने पर अव्यवस्था होती है, लोगों को परेशानी होती है, इसलिए हमने रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था की है। और ये व्यवस्था एक यात्रा की बनाई हुई व्यवस्था है, ये व्यवस्था ठीक प्रकार से व्यवस्थित हो, इसमें सबका सहयोग भी जरूरी है कि सभी लोग जो यात्रा के नियम बनाए गए हैं उन नियमों का जरूर पालन